वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है। हम लोग ड्रिंक्स तो करते हैं और साथ साथ खाना भी खाते हैं, मतलब बाइट्स लेते हैं, मतलब चखना लेते हैं, है ना। तो कौन सा चखना बेस्ट है हम लोग जब ड्रिंक करते हैं तब? क्या आप जानते हैं कि कौन सा फूड सही है जब भी आप ड्रिंक करते हैं, या कौन सा फूड एकदम सही नहीं आपका सेहत के लिए? अक्सर देखा गया कि हम लोग पीनट चिप्स को चुनते हैं जब भी अल्कोहल पीते हैं। क्या आपको मालूम है कि ये जो पीनट चिप्स है ये स्पेशली हर एक बार में दिया जाता है, और वो क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग है ऐसा बहुत चीज आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मेनली जो फोकस रहेगा कि आप जब ड्रिंक करेंगे तब आपको कौन सा खाना चुनना चाहिए, कौन सा खाना नहीं चुनना चाहिए, उसके ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सच में आपको कौन सा खाना चूज करना चाहिए। फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग ड्रिंक को पीते हैं तब खाना क्यों जरूरी है या बाइट्स लेना बहुत जरूरी है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब भी हम लोग एम्प्टी स्टमक में अल्कोहल को पीते हैं तब वो बहुत गहरा असर छोड़ता है और बहुत जल्द हम लोगों का ब्लड स्ट्रीम में घुल मिल जाता है, और जैसे जैसे ये एब्जॉर्बेशन होता रहता है हम लोग जल्दी इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए एडवाइजेबल है कि जब भी आप ड्रिंक करें तो फूड आपको खाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आता है कि जब भी आप फूड खाते हैं या फूड को लेते हैं तो कैसा किस्म का फूड होना चाहिए और वो आपका बॉडी में कैसा इफेक्ट डालने वाला है। अक्सर हम लोग पीनट और चिप्स को चूज करते हैं जब भी अल्कोहल पीते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। आप अगर ध्यान करेंगे तो देखेंगे कि पीनट्स में होता है सॉल्ट, और सॉल्ट जो है वो जब भी आप खाते हो पीनट्स को काफी थर्स्टीनेस तैयार करता है, और आप इतना थर्स्टी हो जाते हो कि आपको बार बार अल्कोहल पीने को मन करता है आपका जो थर्स्टीनेस उसको कवर करने के लिए। इससे क्या होता है, आप ज्यादा अल्कोहल पी लेते हो और आपका जो डिहाइड्रेशन है वो काफी बढ़ जाता है। थर्स्टीनेस जितना बढ़ेगा डिहाइड्रेशन उतना ही बढ़ेगा। इन सब चीजों को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है और वो आपको हैंगओवर देता है। इसीलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कुछ ऐसा खाना खाने के लिए जो आपका जो पानी का कमी है उसको फुलफिल कर पाए। आप नोटिस करेंगे कि पीनट और चिप्स को बार में मोस्टली सर्व किया जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। मतलब आप जितना पीनट खाओगे जितना सॉल्ट आपका अंदर में जाएगा आप उतने ही थ्रस्टी होते जाओगे और उतना ही बियर आप ऑर्डर करते जाओगे। तो ये गहरा राज है पीनट और चिप्स सर्व करने का हर एक बार में। जैसे कि अक्सर हम लोग काजू लिया करते हैं जब भी हम लोग ड्रिंक पीते हैं, और काजू में काफी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको काफी हाई कर देता है, और ये आपको आपका बॉडी में काफी नुकसान पहुंचाता है। साथ साथ आपका जो हजमा का जो कैपेबिलिटीज है उसको भी खत्म कर देता है। मतलब आप काजू को एक स्टमक फिलिंग फूड के तौर पे देख सकते हो। आप अगर कंटिन्यू काजू के साथ ड्रिंक करते हो तो आपका जो भूख है वो मर जाता है, मतलब स्टमक को ऑलरेडी वो फूल कर देता है, खाने का इच्छा नहीं होता। ये बहुत गलत है दोस्तों। ऐसे देखा गया कि चिप्स में काफी ऑयल है। अगर आप एक चिप्स को, सिर्फ एक चिप्स को बर्न करके देखिए, आप एक चिप्स हाथ में लीजिए और उसको बर्न कीजिए, आप देखिए वो कितना देर तक बर्न होता है, मतलब कितना मात्रा में उसमें ऑयल है, और वो ऑयल जो है आपका बॉडी में जाके और अल्कोहल के साथ कंबाइन होकर डेंजरस एक इफेक्ट लाता है आपका बॉडी में। और तो और कभी कभी देखा गया कि अल्कोहल के साथ आप फ्रूट्स भी लेते हैं, हर एक फ्रूट्स बिल्कुल अच्छा नहीं होता है अल्कोहल के साथ। कभी कभी वो काफी मात्रा में एसिडिटी तैयार करता है, हालांकि अल्कोहल भी जाके थोड़ा सा एसिड तैयार करता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली होता है। तो फिर क्या खाना चाहिए, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन, और इसी का आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए, मेरे पास कुछ सजेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बट फ्रेंड्स, बिफोर आई एम सजेस्टिंग यू एनीथिंग अबाउट फूड एंड ऑल, लेट मी टेल यू समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप देखे होंगे कि हम लोग जो है, मतलब इंसान जो है वो अलग अलग कैटेगरीज का होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई दुबला पतला होता है। तो हर एक का बॉडी में जो हजम करने का क्षमता है वो अलग अलग तरीके का होता है, और ये जो फूड का मैं आपको सजेशन करने वाला हूँ ये अलग अलग रिएक्ट कर सकता है अलग अलग ह्यूमन बॉडीज में, और उसके साथ काफ़ी क्राइटेरिया भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा अल्कोहल को कंज्यूम कर सकता है मगर कुछ भी नहीं होता है, कोई है बहुत कम अल्कोहल कंज्यूम करता है बहुत जल्दी इंटॉक्सिकेट होता है। तो जो भी सजेशन मैं देने वाला हूँ
शायद ये प्रॉपर तरीके से एक्ट ना करे, इसके लिए मुझे मत दोष दीजिए। ये ह्यूमन कैरेक्टर पर डिपेंड करता है और बहुत सारा क्राइटेरिया इसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले आपके साथ शेयर करते हैं कुछ नॉन वेज, और उसमें जैसे कि आप ले सकते हैं बॉइल्ड एग, जो आपका स्टमक को काफी हद तक फीलिंग देता है। आपका स्टमक काफी भरा हुआ रहता है जब भी आप ड्रिंक करते हैं, तब जब अल्कोहल उस स्टमक में जाके पहुंचता है तो ये जो प्रोटीन है ये काफी हद तक एब्जॉर्बेशन को रोकता है, काफी डिले कर देता है एब्जॉर्बेशन पार्ट को। तो इसलिए अंडा जो है, बॉइल्ड एग जो है, बहुत ही बेहतरीन एक फूड है। साथ साथ मैं बोलूंगा कि आप अगर चाहे तो यू नो एक व्हाइट ऑमलेट ट्राई कर सकते हैं, चिकन टिक्का या चिकन का तंदूरी चिकन आप ट्राई कर सकते हैं। तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का इट्स गुड, हालांकि वो थोड़ा स्पाइसी है, थोड़ा ऑयली है। अगर हो सके तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, अगर नहीं तो थोड़ा बहुत ठीक है। याद रखिएगा, सिर्फ अल्कोहल नहीं, कोई भी फूड आप ज्यादा खाते हैं तो वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। अल्कोहल तो है ही है अगर ज्यादा करेंगे तो। सैलेड का अगर बात करूं तो आप उसमें स्प्राउट सैलेड को चूज कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा होता है। साथ साथ मैं बोलूंगा कि लेट्यूस से बना हुआ सीजर सैलेड, आप अगर चना पसंद करते हैं तो आप चना भी ले सकते हैं। अगर सैलेड आपको उतना पसंद नहीं है तो आप सिंपली खीरा को यूज कर सकते हैं, खीरा काट के खा सकते हैं। बॉयल पोटैटो चल सकता है, सिंपली बॉयल पोटेटो को काट के आप खा सकते हैं। साथ साथ आप बॉयल वेजिटेबल्स की तरफ भी जा सकते हैं। इवन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि वेजिटेबल स्टिक्स जैसे कि खीरा, गाजर या बीट को आप लंबा लंबा काट के उसमें थोड़ा सा डिप को यूज करके आप उसको खा सकते हैं। उसमें जो डिप है वो डिप के तौर आप बाबा गुरुस को यूज कर सकते हैं, या आप कोई वैसा सॉस या ऐसा कोई सॉस को यूज कर सकते हैं जो अल्टीमेट होता है। मतलब सब्जी तो आप खाते नहीं है तो इसी बहाने सब्जी भी खाया करेंगे। अगर कुछ इंस्टेंट आपको चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पॉपकॉर्न ट्राई कर सकते हैं, मगर हाँ याद रखिएगा पॉपकॉर्न में बटर और सॉल्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि सिंपली एयर पॉप पॉपकॉर्न आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें क्या होता है नमक तो थोड़ा रहता है, बहुत लेस। डिहाइड्रेशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पानी। आप जब जब अल्कोहल पीते रहते हैं तो पानी का कमी के कारण आपको हैंगओवर देता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बीच बीच में आप पानी पी सकते हैं, सिंपल ठंडा पानी पी सकते हैं, जो आपका जो जो पानी का गैप है वो फिल कर सकता है। अगर आप हैवी मील की तरफ जाना चाहते हैं या स्टमक फिलिंग फूड की तरफ जाना चाहते हैं तो आप वेज पिज्जा ट्राई कर सकते हैं। वेज पिज्जा में एक फायदा है कि उसमें वेजिटेबल्स रहता है। मैं बोलूंगा कि अगर नॉन वेज पिज्जा को आप अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस मीट रहता है उसमें काफी मात्रा में सॉल्ट रहता है। अगर आप सच में खुद को प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं पीनट खाने से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो सेल के अंदर में पीनट रहता है वो ले लीजिए। उसमें क्या होता है, जब वो आप तोड़ तोड़ के खाना शुरू करेंगे तो काफी टाइम लग जाता है, तो थोड़ा धीरे हो जाता है ये जो प्रोसेस है जल्दी जल्दी खाने का। तो फ्रेंड्स, यही था कुछ एग्जांपल हेल्दी फूड्स का, और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर इलाबोरेट तरीके से आपको बताते कि प्रोटीन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, तो काफी लंबा हो जाता है, एक दिन जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, सच में अगर ये इंटरेस्टिंग लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू वेरी सून विद अ न्यू कॉकटेल, न्यू मॉकटेल, न्यू इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। चलिए, ड्राइव करने का तो अभी मौका नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मगर याद रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।